नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी अंगूर की एकदम से खट्टी मीठी और चटपटी सी लौंजी। हमारे यूपी बनारस में इसको खट्टा मीठा अचार भी बोलते हैं, खट मिठवा भी बोलते हैं। तो एक बार चलिए बनाते हैं अंगूर की खट्टी मीठी अचार। लौंजी बनाने के लिए अंगूर को मैंने अच्छे से इस तरह से मसल मसल के धुल लिया है। 2 से 3 पानी इसको अच्छे से धुल लिया है। अब इसको 2 भागों में बांट लेंगे। जो बड़ा वाला अंगूर था उसको मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है ग्राइंड करने के लिए, और इधर जो छोटे वाले और थोड़ा जो पीले वाले थे उसको मैंने अलग रख दिया है। अब गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाएंगे, ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। जीरा से तड़का लगाएंगे, 1 मिर्च ऐड करेंगे, आप मिर्च की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। मंगरैल और 2 चुटकी हींग डालेंगे। फिर जो अलग से अंगूर रखा हुआ था उसको डालकर फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब इधर जो मिक्सर जार में अंगूर रखा था उसे ग्राइंड कर लेंगे। पहले नहीं ग्राइंड करना है, नहीं तो अंगूर काले पड़ जाएंगे। इधर 2 से 3 मिनट हो चुका है, अंगूर का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसी स्टेज पर डालेंगे पिसा हुआ अंगूर और अच्छे से इसे मिक्स कर 2 से 3 मिनट तक साथ में अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से एक बार इस तरह से अंगूर की खट्टी मीठी अचार बनाइए, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर गरम मसाला के साथ ऐड किया है। 1/4 चम्मच नमक डाला है। अब सब कुछ साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद अब डालेंगे चीनी और गुड़। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी लिया है, 2 चम्मच गुड़। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, सिर्फ चीनी का भी बना सकते हैं या सिर्फ गुड़ का भी इसको बना सकते हैं। देखिए कलर अब बिल्कुल चेंज हो गया है, मीडियम फ्लेम कर दिया है। इसको अब मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। थोड़े ही देर में यह बनकर रेडी हो जाएगा। अब देखिए अच्छे से पक चुका है, गैस बंद करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अगर आपको यह अंगूर की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी या लौंजी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, एक बार आप अवश्य ट्राई करिए।